लव मैरिज सही होती है। Why? क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि फन के हुमा ताब अलैकुम मिनन निसा। आन लफ्जों में यही है कि लड़की का दूसरा नाम है सियापा। तो भाई खूबसूरत लड़की सामने खड़ी और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। खूबसूरत मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुना? फाइन। बता दें आप। अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि लव मैरिज सही होती है या अरेंजमेंट? लव मैरिज सही होती है। Why? क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि फन के हुमा ताब अलैकुम मिनन निसा, कि औरतों में से उस औरत से शादी करो जो तुम्हें अच्छी लगती है। सो ये आप सल्लम की सुन्नत भी है। अभी तक का बेस्ट आंसर। जी बिल्कुल, आप बताएं। मैरिज अच्छी नहीं होती। उफ अल्लाह, मुझे आपसे कुछ ऐसी उम्मीद थी कि आप तो बात का बेड़ा ही अलग करेंगे। बता दें आप सही से, लव मैरिज सही होती है अरेंज मैरिज? देखिए ना, आसान लफ्जों में यही है कि लड़की का दूसरा नाम है सियापा, ठीक है? तो भाई खूबसूरत लड़की सामने खड़ी और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। खूबसूरत की सॉरी आप। हाँ मैं। माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, खूबसूरत रखे। माशाल्लाह आप भी हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चले आप बताए लव मैरिज सही होती है अरेंज मैरिज? हमारे देहात में तो ऐसे बोला कहाँ है ये देहात के लड़की को पता ही तब चलता था जब उसका शोहर आगे उसका घूंघट उठाता था और चिराग कैसे बुझाना है, फूका आराम से मारना है ये गुस्से ना, और वो फिर कहती थी कि ये दूध का गिलास पी लें और वो पीता था उसकी मूंछों पर। चलो बस करें आप तो एक्सप्लेन। तो अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज लव मैरिज ये कह रहे हैं लव मैरिज। मैं दोनों में से किसी के साथ भी नहीं हूँ कि मैं तो शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, आप लोगों को पता ही है। अच्छा मुझे बताएं कि खूबसूरत लड़कियाँ वैसे ही खराब होती हैं शादी के क्यों होता है? खूबसूरत लड़कियाँ शादी के खिलाफ होती हैं। खिलाफ होती हैं? हाँ हाँ, उन्हें बताए ना कि अब देखिए ना, खूबसूरत एक लड़की है ठीक है, उसके साथ अब कुछ मोहल्ले के 10-12 लड़के उस पर मर रहे होंगे, कुछ 5-7 किसी उसका अफेयर होगा, तो फिर बेचारी इसी कशमकश में अपनी सारी जिंदगी बिता देती है, छीदा मीदा फलान ढुमगान इसी में उसकी। छीदा में लड़की का नाम होता है? नहीं, लड़के का ही बता रहा है ना जो उसके पीछे होते हैं। आप भी एग्री कर रहे हैं, आप तो मुझे अच्छा इंसान लगे थे यार, कसम से हाथ धोगी अभी इनके साथ मिल गए। कोई बात, किसी बात करने से बंदा का अच्छाई बुराई का थोड़ी पता चलता है, वो तो आपको बता रहा है ना कि लड़कियाँ क्यों खिलाफ होते हैं। नहीं मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा। मेरी ढेर सारे फॉलोअर्स को कोई गलत मैसेज ना चला जाए, मैं बिल्कुल भी इसलिए शादी के खिलाफ नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लड़के हैं, मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता। मैं अपने प्रोफेशन में इसलिए आज के लड़के आपके पास मेरे पास नहीं है, मैंने तो अभी चाहिए भी नहीं है। नहीं चाहिए हो तो कोई मसला, खैर इन्होंने सेल लगाई हुई है, हम इनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा हैंडसम लड़का है तो जल्दी से एक हैंडसम सा सॉन्ग भी सुना दो। लिहाजा सबसे बेहतर ये मोहतरमा की नज़र है। आए हाय मेरी शहनायों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में
पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, धड़कन 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 मेरी धड़कन, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाया इन्होंने, और मैं तो जो है ना शहनाइयों की आवाज़ आने लगी मुझे कहीं दूर से, दिल गार्डन गार्डन हो गया।